हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग सो वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे थोड़ी सी ब्लॉगिंग। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग। आज हम जा रहे हैं अपनी मासी के घर, वो शिफ्ट हुए नगरोटा, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनसे मिल के आए। बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है एंड वहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। ये है मेरे भाई जिसको स्ट्रिंग बहुत ज्यादा पसंद है। नशा कर देना मुड़ा। तो पूछो ना कि उठे नाके को ला पहले बड़ी राजी कने करांदी है, फिर बाद पई जांदी है कि दुई के एंड च होई जांदी कट्ठी करे। ब्याह वाले गाने नहीं नहीं, इतने सही गाने अंदर मैं सुन ना यार। अरे भी हॉट पट्टी को रुक हां। इधर उतरे थे पिक्स क्लिक करवाने के लिए और लेट हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो भाई हमें छोड़ के चला गया। वो देखो वहाँ भाई की गाड़ी लगी है, वो हमें छोड़ के चला गया कि तुम यहीं पे रहो पिक्स क्लिक करवा। हेलो, अब बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। हेलो, कोई गल नहीं, स्कूल को पूछना अगे दस छोड़ो। कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर। गोड़ वाला चल रहा है। बस अब हम पहुंच गए अपनी मासी के घर। ये रहे उनके बच्चे। हाय निहार। ये लड़का काफी ज्यादा शैतान है, ये इतने पंगे करता है, इतने ज्यादा पंगे करता है। अब हमने किया लंच। अब हम प्लान करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। हमने सोचा कि हम जाते हैं झज्जर कोटली, वो है काफ़ी ज़्यादा पास एंड काफ़ी कम टाइम में हम वहाँ पहुँच जाएंगे एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वहाँ से आ जाएंगे। Yeah.
अब हम पहुंच गए यहाँ पे जजर कोटली। ये रहा मेरा कजन भाई जो इतना ज्यादा शैतान है, कोई जगह मिले नहीं ये पंगे करे नहीं। मेरे पास गर्मी इतनी ज्यादा है कि पानी में ही जाने का मन करता है। इधर अंदर आ जाने। इसका हम ब्रश नहीं साबुन लेट बोलते हैं क्या वो उसने इसको साबुन लेट नहीं साबुन लेट बोलते आज था संडे एंड यहाँ पे काफी ज्यादा रश था। अब हम यहां से जा रहे हैं नीचे। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं एंड काफी ज्यादा रश है। अब हम करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय, उसके बाद हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। उनके भाई को जाना है शाम को, भाई को घर पे काफी ज्यादा काम है, हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे ट्रिप पे, तो उसकी सारी पैकिंग वगैरह भी करनी है, इसलिए हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। ये मेरी कजन सिस्टर एंड मासी के बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए। पहले तो ये रेडी नहीं था यहाँ आने के लिए, अब तो ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे, मतलब इतना ज्यादा एंजॉय ये कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे भाई को काफी ज्यादा टेंशन है घर जाने की, तो ये बिल्कुल भी पानी में नहीं गया, ये बाहर ही खड़ा रहा। ये दोनों भाई बहन ने इतना ज्यादा एंजॉय किया, ये बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे कि हम यहीं पे रहेंगे। ये रहे मेरे मासी एंड अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। हम डायरेक्ट यहाँ से घर ही जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुकी है एंड हमें घर भी काफी जल्दी पहुंचना है।
ये मेरी गर्ल सिस्टर सॉरी कि इसका कुरकुरा खा लिया उसके भाई ने। ये देखो कितने मजे से खा रहा है ये चिप्स। इसको कोई पता नहीं है कि मैंने उसका कुरकुरा खा लिया है। काफी इंजॉय से ये खा रहे हैं अपने स्नैक्स। एंड अब गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है। हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था, हम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट टाइम हम फुल डे लेके आएंगे इंजॉय करने के लिए। एंड अब हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। आप कहीं भी जाओ थोड़ी देर के लिए जाओ, बट आप काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। ये अब हम पहुँचने वाले हैं नरवाल। एंड थोड़ा सा कॉस्मेटिक शॉप से मुझे सामान परचेज करना था, जो मैंने आते आते परचेज कर लिया। अब हम पहुँचने वाले हैं घर। ये रही मेरी छुनछुन। ये गुस्सा थी कि मेरे को घर छोड़ के चले जाते हैं। एंड मेरा एक पार्सल आया था मिंत्रा से, उसको भी मैंने किया ओपन। बट जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था बट वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा था बट शेड मेरी स्किन टोन से मैच नहीं है, तो मैं इसको करूँगी रिटर्न। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।